राजस्थान में दो चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का प्रथम फेज चिटपुट घटनाओं के साथ शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को समाप्त हुआ। पहले चरण में प्रदेश की 25 सीटों में 12 सीटों पर मतदान किया गया। 12 सीटों में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर है। ऐसे में इस बार पिछले 10 सालों के दो लोकसभा चुनावों के मुकाबले मतदान 6% कम रहा। राजनीतिकों को माने तो जब भी किसी चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग कम होती है तो सत्तारूढ़ पार्टियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में 6% वोटिंग कम होने के कारण सत्ता में बैठी बीजेपी की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। वहीं पर अब दूसरे चरण का चुनाव बची हुई 13 सीटों पर 26 अप्रैल को होना है। लोकसभा चुनावी समर को लेकर राजस्थान में पहले चरण के तहत 12 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। इस दौरान ईवीएम मशीन में 114 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कैद हो गया। पहले चरण के मतदान को लेकर पिछले दो लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों में 12 लोकसभा सीटों पर 57.87% मतदान रहा। ऐसे में सियासी गलियारों में वोटिंग परसेंटेज घटने पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज घटने को कांग्रेस अपने लिए फायदेमंद मान रही है। कांग्रेस इसे खुश भी नजर आ रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि राजस्थान में वे 25 से 35 सीटों पर जीत हासिल करेगी। खैर, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि वोटिंग कम होने से कांग्रेस को बढ़त मिलती है या फिर बीजेपी ने 25 की 25 सीटों पर कब्जा जमाया है। राजस्थान में पहले चरण के तहत वोटिंग प्रतिशत घटने पर कांग्रेस में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। कांग्रेस का अपना कयास है कि उन्हें फायदा मिलेगा। दूसरी ओर बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत और आश्रित है। पहले चरण में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर पर मतदान हुआ है। लेकिन इन सीटों पर पिछली बार 2019 में 63.71 यानी 63.71% मतदान हुआ था, जबकि इस बार काफी प्रयास के बाद भी इन सीटों पर 57.87% ही मतदान हुआ, जो पिछले आंकड़ों की अपेक्षा लगभग 5.84% कम है। वोटिंग प्रतिशत घटने और बढ़ने को लेकर कई सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ती है तो माना जाता है कि लोगों में सत्ता के पक्ष में वोट किया है, और वहीं पर अगर घटती है तो माना जाता है कि लोगों ने सत्ता के विपक्ष में वोट किया है। यही कयास होते हैं कि मतदाता सत्ता के पक्ष में होता हुआ भी विपक्ष में हो जाता है। यह अब तक के चुनाव में देखने को आया है। इस फॉर्मूले को राजनीतिक जानकार भी मानते हैं, लेकिन इस बार वोटिंग प्रतिशत घटने को कांग्रेस अपने लिए फायदेमंद मान रही है, जबकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत घटने से बीजेपी में कुछ भी चिंता नहीं है। इस मामले में पूर्व DPCM सचिन पायलट का कहना है कि अब तक की धारणा यही रही है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज घटता है तो सत्ता को फायदा मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से आमजन पूरी तरह से परेशान है और त्रस्त है। इसके कारण लोग वोटिंग देने में उदासीन रहे हैं, इसके कारण वोटिंग परसेंटेज भी घटा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ललित कुमार तूनवाल का भी यही कहना है कि वोटिंग परसेंटेज घटने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हुए 12 लोकसभा सीटों के मतदान में कांग्रेस करीब आधा दर्जन सीटों पर मजबूत स्थिति पर है। मतदाताओं ने मोदी सरकार से उदासीन होकर वोट नहीं दिए, इसका कांग्रेस को सीधा सीधा निश्चित रूप से फायदा मिल सकता है। उधर राजस्थान में चुनाव वोटिंग परसेंटेज कम होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किन्हीं कारणों से वोटिंग परसेंटेज घट सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी राजस्थान में सभी 25 की 25 सीटें जीतेगी। इसी तरह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी का कहना है कि बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से उत्साहित है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई और शादी ब्याह होने के कारण वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज का अच्छा दबदबा रहा है। अब दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसका सारा माजरा हमें 4 जून यानी जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस समय पता लग जाएगा। ऐसे में अब जनता को 4 जून का बेसब्री से इंतजार है।